लखनऊ में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नवागत जिला अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं ने हल्दी चावल और फूलमालाओं से स्वागत किया, जिसके बाद वे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने सर्व समाज की चिंता जताई और कहा कि अन्याय अत्याचार के खिलाफ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सदैव खड़ी रहेगी और उनके इंसाफ के लिए लड़ेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता भाजपा कांग्रेस को जरूर सबक देगी। सबसे पहले तो मैं इस गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संस्थापक दादा हीरा सिंह मरकाम जी को मैं याद करते हुए सेवा जवाहर करता हूं और मुझे जिस पार्टी में जिस जिम्मेदारी संगठन की तरफ से मुझे दी गई है और मेरा पहला काम यह है कि हर ब्लॉक से 5 से 7 कार्यकर्ता जिला में पदाधिकारी बनाने नियुक्त करने के लिए काम करने की जिम्मेदारी दी गई है और इस काम करने के लिए मैं आज लखनऊ आया भी हूँ। आज की जो मुख्यतः जो बैठक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की रखी गई, मैं गंगाराम मरावी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ब्लॉक अध्यक्ष लखनऊ से, आज की जो लखनऊ मुख्यालय में जो बैठक रखी गई थी, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था, आज हमारे बीच में हमारे जो जिलाध्यक्ष अभी नए नियुक्त हुए हैं गय प्रसाद कुमरे जी, इनका पहला आगमन था और इसे उनको स्वागत उनका सम्मान के लिए बैठक रखी गई थी और जिलाध्यक्ष जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाला समय में वो अच्छे तरीके से सिवनी जिला में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी चलाए और उनके मुख्य रूप से जैसे कि सिवनी जिले को नवनियुक्त जिलाध्यक्ष जी का जो भ्रमण चल रहा है प्रत्येक ब्लॉक में उसको लेकर, और दूसरी बात यह है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी प्रत्याशियों का भी चयन करना है, इसके साथ साथ हमारे बूथों की बूथ एजेंट की तैयारी करना है।